या कोविशील्ड और कोवैक्सीन इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जा रहा है। कोविशील्ड ने जो कि केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन देता है, 150 रुपए में प्रॉफिट है, मान लेते हैं अगर 10 रुपए का प्रॉफिट भी है और 6 करोड़ वैक्सीन वो हर महीने बनाते हैं। अगर आधी वैक्सीन केंद्र सरकार को देनी होती है तो यानी 3 करोड़ वैक्सीन देनी है तो 30 करोड़ उसमें प्रॉफिट हो गया। अब वही वैक्सीन जो 150 की थी राज्य सरकारों को 300 में देते हैं तो राज्य सरकार को जो दी तो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ 300 रुपए में से 160 रुपए का, और वही वैक्सीन प्राइवेट को देते हैं 400 रुपए में तो कितने का प्रॉफिट हुआ? अगर हम कॉस्ट प्राइस 140 मान के चले जो कि उससे कम ही होगा तो 260 रुपए का प्रॉफिट है। यानी एक महीने की प्रोडक्शन के ऊपर उस कंपनी को 960 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। देश के अंदर 18 साल से ज्यादा की उम्र के 100 करोड़ के करीब लोग हैं, एक कंपनी 100 करोड़ लेंगे दूसरी 100 करोड़ लेंगे, यानी एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ रुपया बनेगा। दूसरी जो कंपनी है कोवैक्सीन वो तो इससे भी महंगे रेट में दे रही, उनका 150 रुपए और 400 रुपए और 600 रुपए तो उसका प्रॉफिट इससे भी ज्यादा होगा। और कंपनीज को प्रॉफिटियरिंग करने के लिए इतना बड़ा मौका नहीं दिया जा सकता इस आपदा के समय पर। जब 150 रुपए में प्रॉफिट है तो उससे ज्यादा में बेचने का कोई अलाउड नहीं होना चाहिए। ये 3 रिक्वेस्ट मैंने हर्षवर्धन से किए।